जो लोग देखते हैं उनको बता दूं कि अभी आपका ऑपरेशन एक घंटे पहले हमने किया है जी सर। तो अभी आप मेरे साथ बैठे हुए हो सर। अब सबसे पहले तो पूछना चाहूंगा कि वेरिकोसील जो ऑपरेशन आपका हुआ है, इसमें आपको टोटली एक्चुअली जितना सोचा था उसके हिसाब से कितना दर्द हुआ, क्या आपको इसमें पता लगा और अभी कितना दर्द हो रहा है आपको? मुझे तो पता ही नहीं लगा कि ऑपरेशन हुआ है। ऐसा लग रहा है कि मतलब मैं नॉर्मल हॉस्पिटल में गया, एक इंजेक्शन लगवाया और वापस जा रहा हूँ अपने घर पे। कुछ भी मेरे को फील नहीं हो रहा कि जितना आपने सोचा था कि बहुत दर्द होगा। मैं पहले सोच रहा था, डर रहा था कि मतलब सर्जरी में तो बहुत पता नहीं क्या होता होगा, वैसा मेरे को कुछ नहीं लगा सर। अच्छा, वैसे ओवरऑल इस सर्जरी में मतलब होता क्या है, जस्ट क्योंकि मैं तो लोग पेशेंट्स को बताते ही क्या क्या होता है, बट कभी कभी पेशेंट मरीज से सुनना चाहते हैं कि क्या होता है ना। सर्जरी में मैं जैसे लेटा था तो पहले मुझे इंजेक्शन दिया गया, उसका इंजेक्शन का भी मुझे पता नहीं चला कि कब इंजेक्शन लग गया, और मैं देख रहा था स्क्रीन पे, सब कुछ मुझे दिखाई दे रहा था कि मेरे साथ क्या हो रहा है, और डॉक्टर साहब आपके साथ बात करते करते आप मेरे को हर एक चीज़ बता रहे थे कि कैसे हर एक लेयर को खोल रहे हैं, और मतलब हर एक पता ही नहीं चल रहा था कि मेरा ऑपरेशन हो रहा है। ऐसा लग रहा था मैं बस एक पिक्चर देख रहा हूँ बस। तो इस ऑपरेशन में जैसे हमने आपको बताया था कि एक बड़ा माइक्रोस्कोप होता है, फिर टीवी होता है, उसमें हम डॉपलर देखते हैं, तो ये सब चीज़ों को आपने खुद जिया? जी सर, मैंने वो हर एक चीज देखा कि कैसे कौन सी चीज कैसे यूज हो रही है, हर एक आप डॉपलर का यूज करके हर एक वेन को आर्टरी को चेक कर रहे थे, हर बार जब उसको बांध रहे थे तो वो चीज बहुत अच्छा लग रहा था कि मतलब हर एक बार उसको चेक कैसे की जा रही है। हाँ, तो हमने इसमें क्या क्या चीजें आपने मतलब मैं बिल्कुल लेमैन की तरह पूछ रहा हूँ कि क्या क्या आपको इसमें स्ट्रक्चर दिखे आपके ऑपरेशन में जब हमने किया इसको? तो इसमें जैसे आपने कट लगा के जब वो बाहर निकाला, एक कॉर्ड सी थी, कॉर्ड होती है जी, वो निकलने के बाद बहुत सारी लेयर होती हैं ऊपर, वो धीरे धीरे एक एक लेयर हटा हटा के उसके अंदर तक वेंस तक पहुंचा जाता है, वेंस तक पहुंच के फिर वो देखी जाती हैं वेंस कौन कौन सी वेंस फूली हुई हैं, तो फिर एक एक वेन अलग से छांट छांट के उसको फिर चेक करके कि मतलब पहले तो चेक करते कि आर्टरी कहाँ पे है, उस आर्टरी को बचाते हुए एक एक वेन चेक करके और उसको बांध के फिर कट किया जाता है। और एक हमने आपको एक वो आपका स्पर्म ले जाने वाला एक रास्ता था वो भी दिखाया था जी सर, हमने शुरू से बिल्कुल अलग। हाँ, वास डिफरेंस जो होता है, वास डिफरेंस और आर्टरी पहले से ही चेक कर लिया था कि वो कहाँ पे है, और बीच बीच में भी उसको चेक कर रहे थे, हाँ श्योर कर रहे थे कि वो उसको कोई चोट ना पहुंचे। अच्छा, ओवरऑल इस ऑपरेशन में समय कितना लगा आपके हिसाब से? लगभग एक घंटा, एक घंटे के आसपास। तो जैसे हमने इस पर डिस्कस किया था कि बहुत बारीकी का काम था एक एक चीज को हमने, उसके बाद जैसे अब आपको रूम में शिफ्ट किया जी सर, तो अभी इस समय आपको अगर हम कहें 10 पैसे का दर्द मैक्सिमम हो सकता है, तो अभी आपको कितने पैसे का दर्द हो रहा है इस समय? एक घंटा में हो चुका है। अभी जैसा पेन वेरिकोसील में होता है वैसा ही महसूस हो रहा है, उससे ज्यादा कोई मतलब ऐसा नहीं लग रहा कि मेरा सर्जरी का पेन अलग से हो रहा है कुछ। अच्छा, अब इसके बाद अब मैंने आपको क्या क्या चीज़ें बताई, क्या क्या ध्यान रखनी होंगी आपको? मुझे जैसे सपोर्टर लगा के रखना है और मतलब वजन नहीं उठाना है, अभी एक दो हफ्ते तक भारी वजन का काम नहीं करना, थोड़ा रेस्ट करना है और रेस्ट करना है। हाँ जी, उसके बाद फिर आपको एक पट्टी चेंज कराने हमारे पास आना होगा जी सर, और उसके बाद फिर हम बेसिकली अपने सभी काम नॉर्मल निर्वाह के ना कर सकते हैं बस सर। आज इसलिए कि कोई नस जो हमने बांध दी है कोई इनमें से कोई स्टिच हट ना जाए, इसलिए आपको थोड़ा सा रेस्ट करने का हमने सजेस्ट किया है एक दो दिन के लिए जी सर। और फिर हम परसों तो मिलेंगे फिर पट्टी चेंज करेंगे जी सर। तो ओवरऑल आपको अपना एक्सपीरियंस कैसा लगा? ओवरऑल मेरे को मतलब मैं जैसे पहले सर्जरी के लिए हॉस्पिटल में जाते हुए डर रहा था, पहले तो मैं यहाँ का स्टाफ के साथ, स्टाफ मतलब इतना कोऑपरेटिव और फ्रेंडली था, और डॉक्टर साहब आपके साथ मिलके फिर एक मतलब ऐसा लग रहा था कि मैं डॉक्टर के साथ नहीं हूँ, अपने एक दोस्त के साथ हूँ और मेरा फ्रेंड ही सर्जरी कर रहा है मेरी, तो मतलब ये चाहता एक्सपीरियंस ऐसे ही रहे कि आपको इसमें डर ना लगे। बिल्कुल बिल्कुल सर। और
उम्मीद करते हैं कि इससे आपको ये पार्ट तो आपकी लाइफ का हमेशा के लिए नहीं, सॉल्व बिल्कुल हो जाएगा। मैं बहुत टेंशन में था कि मतलब एक सर्जरी होगी और पता नहीं क्या होगा, तो आज मेरे को पता चल गया। मैं दूसरे लोगों को भी जिसको प्रॉब्लम है उनको टाइम यही लेगा, सजेस्ट करूंगा कि इस टाइम प्रॉब्लम को लेगा। जितनी जल्दी करवा ले वो ठीक है। और ये जो सर्जरी का डर है ये बिल्कुल मतलब आपके पास आने के बाद, तो डॉक्टर साहब के पास आने के बाद तो बिल्कुल हट जाता है वो। नहीं, कोशिश यही रहती है, बट फिर भी जब आपकी बात और मेरे पेशेंट सुनेंगे तो उनको कॉन्फिडेंस और बढ़ेगा कि जी नहीं, ये सर। चीज़ सच में जैसे कहते हैं वैसे ही होती नहीं, है, जो ऐसा भी नहीं है। आएगा वो एक बार एक्सपीरियंस करेगा तो वो खुद समझ जाएगा। ठीक है दोस्त, थैंक यू वेरी मच। फिर परसों हम एक बार पट्टी के लिए मिलते हैं। जी सर, थैंक यू सर।